सो गाइस, एक क्वेश्चन मैंने बहुत ही ज़्यादा देखा था कि दी प्लीज़ हमें ये भी बताओ कि जो BTS मेंबर्स है वो पाकिस्तानी आर्मीज के लिए क्या सोचते हैं एंड क्या BTS पाकिस्तानी आर्मीज को लाइक करते हैं, है ना? क्या BTS मेंबर्स ने कभी पाकिस्तानी आर्मीज को कोई मैसेज दिया है? तो यस, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि BTS ने पाकिस्तानी आर्मीज को क्या मैसेज दिया है एंड पाकिस्तान की एक सिंगर है जो कि BTS से मिली है, यस आपने बिल्कुल सही सुना है, तो उन्होंने BTS से क्या बातें की हैं। ओके, तो ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, लेकिन आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही साथ बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए एंड ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि जब भी इस चैनल पे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो वो सबसे पहले आपके पास ही पहुँचे। आप हमें इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस, अभी जो ग्रैमी अवार्ड हुआ था, है ना, वहाँ पे इंडिया के, पाकिस्तान के एंड अलग अलग देशों के बहुत से ऐसे महान सिंगर्स आए हुए थे जिन्होंने अपने करियर में, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया। ओब्वियसली ग्रैमी में पहुँचना एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड वाली बात है एंड वहाँ पे हर कोई नहीं पहुँच सकता। ओके, तो यहाँ पे जो इंडिया के सेलिब्रिटी आए थे एंड जो BTS से मिले थे ना, उनके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। वेल, पाकिस्तान की एक सिंगर, म्यूजिशियन, ओके, जिनका नाम है आरूज अफ्ताब, वो BTS से मिली एंड ना सिर्फ मिली बल्कि उन्होंने BTS से कुछ बातें भी की। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि उन म्यूजिशियन ने ना अब उन चैट्स को, उन बातों को रिवील किया है कि उन्होंने BTS मेंबर से क्या बातें किए हैं। सो मैं आपको बता दूं, इंक्लूडिंग जिन, शुगा, आरएम, जेहोप, वी, जंगकुक एंड जिमिन, सभी से वे मिली। एंड जैसे ही पाकिस्तान की आर्मीज को ये बात पता चला कि वाओ, उनके देश की एक सेलिब्रिटी यानी कि एक सिंगर अभी BTS से मिल के आई है, तो वो सभी जानने में लग गई कि प्लीज़ हमें बताओ कि आपने क्या बातें की हो। तो ऑब्वियसली उस म्यूजिशियन ने बताया कि उन्होंने क्या बातें की। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ना, जो वो म्यूजिशियन है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से फैंस को बताया कि उन्होंने BTS को ना पाकिस्तानी आर्मीज के बारे में बताया है। देन उन्होंने बोला कि एक चीज़ मैं आप लोगों को 100% बताना चाहती हूँ BTS ने जो आप लोगों के लिए बोला है। सो गाइस, यहाँ पे उन म्यूजिशियन ने इस चीज़ को रिवील किया कि होल नाइट ना वो BTS के पास वाली सीट पे ही बैठी हुई थी, तो वो खुद से गई BTS के पास एंड ऑब्वियसली उनको फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड मिला था, तो वो BTS के पास गए एंड उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी आर्मीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। तो BTS ने वहाँ पे ना उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला एंड उन्होंने पूछा कि क्या मैं आपके साथ फ़ोटो ले सकती हूँ, तो BTS ने बोला श्योर, ऑफ कोर्स। देन उस म्यूजिशियन ने बताया कि हमने, यू नो, मैंने और BTS ने पिक्स लिए, मैंने BTS के साथ पिक्स लिए एंड उसके बाद मैंने उनको बताया कि जो पाकिस्तान की आर्मीज़ है ना, वो आपसे बहुत ही ज़्यादा लव करती हैं। देन यहाँ पे जो BTS मेंबर्स हैं उन्होंने थैंक यू बोला है। ओके, उन्होंने ना थैंक्स बोला एंड उसके बाद मैं वापस अपने सीट पे आ गई। सो गाइस, इसके बाद जो पाकिस्तान की आर्मीज़ है उन्होंने ना आरूजा अफ्ताब को थैंक यू बोला कि थैंक यू, आपने BTS को बताया कि जो पाकिस्तान की आर्मीज़ है वो आपको बहुत ही ज़्यादा लव करती है एंड ऑब्वियसली एटलीस्ट अब BTS को पता तो चला कि पाकिस्तान में भी उनकी आर्मीज़ है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो एंड यस, आप मुझे ये भी बता सकते हो कि आप कौन से देश से हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप BTS हिंदी वाले चैनल पर भी जाके देख सकते हो। बाय, टेक केयर।